हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जो है कड़म की रेसिपी लाई हूँ मटन के साथ। ये रेसिपी खाने में बहुत ही डिलीशियस बनती है। चलो अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हमने अपने कुकर में जो है मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसे हीट अप होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। अब हम इसमें अपने जो हमने 5 स्मॉल ओनियन स्लाइस किए हैं जो है हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे, 3 से 4 काली मिर्च और 2 तेज पत्ते हम इसमें जो है ऐड कर देंगे। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरीके से फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। हमारे ओनियंस जो है वो थोड़े थोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें जो है अपना मटन ऐड कर देंगे। हमने 1/2 kg मटन लिया है, इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे अपने कुकर में जो है ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से अब मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें हम अपना साल्ट ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसे हम 2 से 4 मिनट तक भूनने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा मटन जो है थोड़ा भून चुका है। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून जो है सॉल्ट पाउडर का ऐड कर देंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून हम जो है टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून हम जो है चिली पाउडर ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर। हमने जो है इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक मसालों के साथ भुनने के लिए छोड़ देंगे। डालने के लिए हमने कड़म यानी कि नॉन खोल लिया हुआ है, उसे हमने जो है लंबे लंबे पीसेस में ही कट किया है और वॉश कर दिया है। हमारा मटन जो है थोड़ा भून चुका है। अब हम इसमें जो हमने कड़म वॉश करके रखा था वो ऐड कर देंगे। हमने इसमें जो है कड़म डाल दिया है। हमने जो है 1/2 kg कड़म लिया हुआ है वो इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर देंगे और इसे ढक के 5 से 6 मिनट तक के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। हमारा मटन और कड़म जो है अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें 1 glass जो है वाटर का ऐड कर देंगे और इसे विसल्स के लिए हम छोड़ देंगे। मैं इसमें 5 to 6 विसल्स लगा देंगे। जब तक हमारा मीट जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसमें विसल्स लगा देंगे और हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। हमारे कुकर ने जो है 6 विसल दे दी है। अब हम जो है अपना गैस बंद कर देंगे और इसे इसी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमने जो अपना कुकर का ढक्कन है वो खोल दिया है। हमारा मटन अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा हरा धनिया ऐड कर देंगे। साथ ही हम थोड़ा सा इसमें जो है कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। ये फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी जो है कड़म विद मटन की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये खाने में बहुत ही यमी बनी हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।